सो नेक्स्ट टॉपिक इज टाइम ड्यूरेशन. अब टाइम ड्यूरेशन होती क्या है? कोई दो आवर्स के बीच में या दो टाइम्स के बीच में जो टाइम बीत जाता है, जैसे टाइम हुआ है 12 o'clock और उसके बाद टाइम हो जाता है 3 o'clock, तो 12 o'clock और 3 o'clock के बीच में जो टाइम लेफ्ट हुआ है, जो बीत गया है, दैट इज कॉल्ड टाइम ड्यूरेशन, राइट? सो अभी आप देखो एग्जाम्पल. फर्स्ट, द टाइम इज 9 AM ऑन द क्लॉक. What time shown by the clock after 3 hours? 3 hours के बाद क्या time show होगा? तो क्या करना है, ये जो hour है ना, इसको हम shift कर देंगे 3 positions आगे. First shift, second, third. It means ये कहाँ पे चली जाएगी? 12 पे चली जाएगी. देखो उन्होंने क्या किया है, 1 1 shift दिया ना, पहले 1 hour shift, फिर 2nd hour shift, फिर 3rd hour shift, और कहाँ चला गया? आर हैंड चला गया 12 पे, राइट? सो द टाइम नाउ इज 12 noon, ठीक है? अभी आप देखो नेक्स्ट, द बास्केटबॉल गेम बिगेन एट 11:40 AM. बास्केटबॉल स्टार्ट होती है 11:40 AM पर. इट फिनिश्ड आफ्टर 4 hours. 11:40 पर ये स्टार्ट होती है, ठीक है? फिर 4 hours के लिए ये गेम चलता है, 4 hours के बाद ये फिनिश हो जाता है, राइट? सो व्हाट टाइम डिड द गेम फिनिश? तो किस टाइम पर गेम फिनिश हुआ होगा, राइट? देखो उन्होंने क्या किया है, आवर हैंड को 1 1 hour मूव करा है. कितनी बार मूव करा है उन्होंने? आर हैंड को ना मूव करा है बाय 1 hour. हाउ मेनी टाइम्स? 4 times, ठीक है? उन्होंने तो 1 1 करके दिखाया. आप डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हो. आपको क्या करना है, आप आवर हैंड को ना 1 1 मूव करो. पहले 11:40 हो गए, फिर 12:40 हो जाएंगे, फिर 1:40 हो जाएंगे, फिर 2:40 हो जाएंगे, राइट? फिर 3:40 हो जाएंगे, राइट? सो ये देखो हमने 4 times मूव कराया आर हैंड को, राइट? सो उसके बाद आपको कौन सा टाइम मिला है? 3:40 PM. और यहाँ पर भी तो हमारा यही टाइम आया, देखो. तो आप डायरेक्ट ऐसे मूव कर सकते हो, राइट? वो आपको समझाने के लिए ना उन्होंने 1 1 मूव करा. सो हाउ टू डू हियर नाउ, सी, ड्रॉ द हैंड्स ऑन द क्लॉक एंड राइट डाउन द टाइम व्हेन ईच एक्टिविटी विल एंड. उन्होंने बोला कि आपको मिनट हैंड और आर हैंड ड्रॉ करने हैं, राइट? किस टाइम के लिए ड्रॉ करने हैं? उस टाइम के लिए जिस टाइम पे जो भी एक्टिविटी यहाँ पे पिक्चर में दिखाई गई है वो एक्टिविटी फिनिश हुई है या एंड हुई है, राइट? तो यहाँ पे फर्स्ट एक्टिविटी क्या है, मदर इज कुकिंग द फूड, ठीक है? मम्मी जो है वो खाना बना रही है, ठीक है? तो देखो स्टार्ट कब हुआ है, ये स्टार्ट हुआ है 1:20 पे. 4 5 20 होता है ना, तो ये कब स्टार्ट हुआ है? 1:20 पे. तो 1 hour लेटर, 1 और 2 के बीच में है. अब कहाँ चला जाएगा? सिर्फ आवर हैंड मूव करनी है, क्योंकि उन्होंने आवर लिखा है ना, तो हमने सिर्फ 1 hour का चेंज करना है. मिनट हैंड को कुछ नहीं करना है, मिनट हैंड आपकी जो है ना वो 4 पे रहेगी, लाइक दिस. 1 hour का मूव देंगे, बिटवीन 1 and 2 है तो 1, सिर्फ 1 टाइम मूव करेंगे, तो ये 2 और 3 के बिटवीन आ जाएगा, राइट? बिटवीन 2 and 3, तो आप टाइम क्या लिखोगे? 2:20, बिकॉज दिस इज 4 5 20 मिनट, और हम इस साइड पे आवर लिखते हैं और इस साइड पे मिनट, राइट? आपको एएम पीएम कुछ नहीं बताया, सो हम वो मेंशन नहीं करेंगे, राइट? नेक्स्ट देखो, अब आपको 8 hours मूव करना है. दिस इज 10 o'clock, तो हम डायरेक्ट मूव कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8. इट मीन्स अभी आपका आवर हैंड कहाँ चला जाएगा? 6 पे. आवर हैंड चला जाएगा आपका 6 पे, क्योंकि सिर्फ आवर चेंज हुए हैं, तो मिनट हैंड पे कोई चेंज नहीं होगा, राइट? वो 12 पर ही रहेगा. सो टाइम इज 6 o'clock, और वी कैन राइट इट लाइक दिस, राइट?
नेक्स्ट ड्रॉ हैंड्स ऑन क्लॉक अकॉर्डिंग टू द टाइम अकॉर्डिंग टू गिवन पास्ट टाइम एंड राइट द टाइम. आपको ना एक क्लॉक दिखाया गया है, ठीक है, प्लेन क्लॉक है, उसके ऊपर हैंड्स नहीं है. 4 AM टाइम शो किया गया है. आपको पहले तो 4 o'clock शो करना है, फिर आफ्टर 2 hours क्या टाइम हो जाएगा वो आपको लिखना भी है और आपको शो भी करना है बाय ड्रॉइंग द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड. राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Now 4 o'clock, it means hour hand hogi aapki 4 pe and minute hand hogi aapki 12 pe, right? Abhi after 2 hours hai, to hum hour hand ko move karenge 2 times. 1, 2, it means aapka hour hand kahan chala jayega abhi? 6 pe. Abhi dekho, change sirf hours mein hua hai, to minute hand mein koi change nahi aayega. Minute hand pehle bhi 12 pe thi, ab bhi 12 पर ही रहेगी, राइट? एंड हम इसको लिख देंगे हियर, इट इज 6 o'clock, सो लाइक दिस, राइट? नेक्स्ट वी हैव 6:20. 6 कहाँ होगा? देखो 20 है, इट मींस बिटवीन 6 एंड 7, आवर्स बिटवीन 6 एंड 7, आवर हैंड बिटवीन 6 एंड 7. नाउ 20, 20 कहाँ पे होता है? 5 मिनट्स हियर. 2 5s are 10, 3 5s are 15, 4 5s are 20. सो आपका मिनट हैंड आएगा हेयर लाइक दिस, राइट? नाउ 5 hours, अब आपको 5 hours मूव करने हैं, राइट? देखो इसको कैसे मूव करेंगे, यहाँ से करेंगे 1, 2, 3, 4, 5. नाउ इट इज बिटवीन 11 एंड 12. हमें क्या लेना है? 11, राइट? सो यहाँ पे आपका टाइम हो जाएगा बिटवीन 11 एंड 12, इट मीन्स 11 आवर्स. और देखो चेंज सिर्फ आवर्स में हुआ है, मिनट हैंड में कोई चेंज नहीं आया, सो मिनट हैंड आपका अभी भी 4 पर ही बनेगा लाइक दिस. और टाइम क्या हुआ है? इट इज बिटवीन 11 एंड 12, तो हम लेंगे 11. एंड फॉर 4 वी हैव 20 मिनट्स, तो यहाँ पे आप 20 लिख दोगे, डन. Next, a washerman began washing the clothes at 8 a.m. ठीक है, एक washerman ने, एक धोबी ने कपड़े धोने स्टार्ट करे हैं 8 o'clock पर in the morning. AM लिखा है ना? He took 5 hours to complete it. उसे ये कपड़े धोने में 5 hours लग गए. मतलब उसका ये work कब finish हुआ होगा? After 5 hours, right? Find the end time when he completes the activity. अब आपको बोल रहा है कि वो टाइम फाइंड करो जब उसका ये एक्टिविटी फिनिश हो गया. विच एक्टिविटी? वॉशिंग क्लोथ, जब उसने कपड़े धो लिए हैं, ठीक है, वो टाइम आपको बताना है. तो आप क्या करोगे? देखो उसने स्टार्ट कब करा है? इस टाइम पे 5 आवर्स तक चला है. अभी देखो ये आवर का एरिया होता है, ये मिनट का एरिया होता है. 5 आवर्स आफ्टर है तो आप प्लस कर दो, मिनट्स तो बोले ही नहीं है तो मिनट्स में 0 ही रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा? 13. बट देखो क्लॉक पे 13 तो होता ही नहीं है, क्लॉक तो होता ही आपका 12 आवर्स तक है, तो 13 आवर्स कहाँ से आ गए? तो अब आप देखो नेक्स्ट 12 के बाद नेक्स्ट आवर कौन सा होता है? दैट इज 1. और ये देखो जब इसने 12 को क्रॉस कर लिया है, ठीक है, 12 को क्रॉस कर लिया, इट मीन्स नून के बाद का टाइम है, राइट? नून के बाद का टाइम है. सो अभी आप एएम लिखोगे कि पीएम लिखोगे? पीएम लिखोगे, राइट? क्योंकि ये टाइम आफ्टर द नून है. सो आप लिखोगे, सो वॉशर मैन कंप्लीट हिज एक्टिविटी एट 1 PM, ठीक है, ये टाइम लगेगा उसको. नेक्स्ट वी हैव रुचिका वेंट टू अ लाइब्रेरी एट 9:30 AM. रुचिका
एक लाइब्रेरी में गई है, किस टाइम पर गई है? 9:30 इन द मॉर्निंग, ठीक है? शी स्पेंड 6 आवर्स देयर, वहां पर उसने पूरे 6 आवर्स स्पेंड किए हैं, वहां पर 6 आवर्स तक उसने बुक्स पढ़ी हैं, ठीक है, वहीं पे रही है वो 6 आवर्स तक. एट वॉट टाइम डिड शी लीव फ्रॉम द लाइब्रेरी? अब वो कह रहा है कि किस टाइम पे वो लाइब्रेरी से चल पड़ी, किस टाइम पे उसने लाइब्रेरी को लीव कर दिया, वहां से चल पड़ी, ठीक है. अब देखो, अब वो 9:30 पे गई है, 6 आवर्स तक वहीं रही है, ठीक है. वो जो 6 आवर्स ने वहां पे स्पेंड किए हैं वो भी उसके टाइम में ऐड हो गए, प्लस हो गए, ठीक है. उसके बाद ही वो आएगी, शी विल कम आफ्टर 6 आवर्स, राइट. सो आफ्टर मीन्स प्लस, वी हैव टू ऐड. तो अब क्या करोगे, ये जो 9 है ना, इसमें आप ये 6 प्लस कर दो. मिनट्स में कुछ प्लस नहीं करेंगे क्योंकि मिनट्स तो बोले ही नहीं, आवर्स बोले हैं ना. ये क्या आ जाएगा आपका 15, बट यहाँ पे 15 तो है ही नहीं. अब क्या करें, ये देखो आप यहाँ पे ऐसे चलो, ये 12 के बाद इसको मान लो 13, 14, 15 कहाँ आ गए, 3 पर आ गए. इट मीन्स ये जो 15 लिखा है इसका मतलब है 3:30. और ये देखो आफ्टरनून है, 12 के बाद का टाइम है ना, आफ्टरनून है, दैट्स वाई वी गोना यूज PM, ठीक है. वो मॉर्निंग में 9:30 पे गई थी, 6 आवर्स वहीं पे स्पेंड किए, तो फिर वो 3:30 PM पे वापस आएगी, ठीक है. सो शी लेफ्ट एट 3:30 PM. From the library. आप शी की जगह पे ना यहाँ पे लिखो उसका नेम, रुचिका. ओके, नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ टाइम. कन्वर्जन मतलब हम टाइम को कैसे कन्वर्ट करते हैं. अब टाइम को कैसे कन्वर्ट करना है, देखो हमें ना चेक करना है कि कोई डेज में कितने आवर्स होते हैं, आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं, फिर फर्दर मिनट्स में कितने सेकंड्स होते हैं, ठीक है. वन ईयर में कितने डेज होते हैं, मंथ में कितने डेज होते हैं, लाइक दिस, ठीक है. मतलब मंथ से डेज में चले जाना, मिनट से सेकंड में चले जाना, दीज आर कॉल्ड कन्वर्जन, कन्वर्ट कर रहे हैं ना. तो देखो आपको ये करने कैसे हैं, हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. फर्स्ट आपको पता है वन ईयर हैज 12 मंथ्स, एक साल में पूरे 12 मंथ्स होते हैं, राइट. फर्स्ट एग्जाम्पल है कन्वर्ट 9 ईयर्स इनटू मंथ्स. आपको बोला है कि 9 ईयर्स को आप मंथ्स में कन्वर्ट कर दो. आप क्या करोगे, पहले आप चेक करोगे कि 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, ठीक है. ये देखो लिखा हुआ है ना, उसने 9 ईयर का बोला हुआ है क्वेश्चन में, पर पहले 9 ईयर्स नहीं लिख देंगे, पहले हम 1 ईयर में चेक करेंगे. 1 ईयर में 12 होते हैं तो 9 ईयर में क्या हो जाएंगे, 9 टाइम्स हो जाएंगे, 9 टाइम्स हो जाएंगे ना. तो 9 टाइम्स के लिए क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे कर देंगे, 12 से कर देंगे, ठीक है. वो आपका ये मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट देखो, एक मंथ में आपको कितने डेज मान के चलना है, 30 डेज, ठीक है. आपको यही कंसीडर करके चलना है, ठीक है. अदरवाइज 31 भी हो जाते हैं, बट आपको एक ही कंसीडर करके चलना है फॉर नाउ के 1 मंथ में 30 डेज होते हैं, राइट. तो अभी देखो कन्वर्ट करने के लिए कौन सी एग्जांपल दे रखी है, कन्वर्ट 7 मंथ्स इनटू डेज. 7 मंथ में आपसे डेज पूछे हैं, हम क्या करेंगे, पहले 1 मंथ में लिखेंगे, राइट. तो 1 मंथ में कितने डेज होते हैं, 30. तो 7 मंथ में कितने हो जाएंगे, 7 टाइम्स ऑफ 30, है ना. 1 मंथ में 30 डेज होते हैं तो 7 मंथ में क्या हो जाएंगे, 7 टाइम्स ऑफ 30. ये टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, उतने गुना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो क्या कर देंगे यहाँ पे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका ये आंसर आ जाएगा, राइट. दीज आर एग्जाम्पल्स, हम सॉल्व भी करेंगे एक्सरसाइज के साथ, ठीक है. नेक्स्ट देखो, वन डे इज इक्वल टू 24 आवर्स. एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं. अभी क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट 6 डेज इंटू आवर्स. हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट 6 डेज का नहीं लिखेंगे, पहले हम देखेंगे कि 1 डे में कितने आवर्स होते हैं.
वन डे इक्वल टू 24 आवर्स, इसका मतलब है कि वन डे में 24 आवर्स होते हैं, राइट? हम ऐसे लिखते हैं इक्वल डाल के. तो वन डे में अगर 24 आवर्स होते हैं तो 6 डे में कितने हो जाएंगे? 6 टाइम्स ऑफ 24, ठीक है? 6 टाइम हो जाएगा 24 का, 6 टाइम्स हो जाएगा ना ये 24 का, टाइम्स के लिए मतलब उतने गुना हो जाएगा, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट? ये आपको लर्न कर लेने हैं, ठीक है? वन डे में कितने आवर्स होते हैं, वन मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, वन मंथ में कितने डेज होते हैं, वन ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, राइट? तो अभी देखो, वन मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है? वन मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं. आपसे पूछा है कि 12 मंथ्स में कितने सेकेंड्स होंगे, कन्वर्ट 12 मंथ्स इनटू सेकेंड्स. आप क्या लिखोगे पहले? वन मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स. फिर 12 मिनट के लिए क्या कर दोगे? 12 टाइम्स ऑफ 60 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 720. ये जो मैं 12 टाइम्स बोल रही हूँ ना, ये मतलब 12 फोल्ड हो जाएगा, उतने गुना हो जाएगा ये, ठीक है? नेक्स्ट, वन ईयर हैज 365 डेज. एक साल में 365 डेज होते हैं, ठीक है? तो आपको क्या करना है? कन्वर्ट टू ईयर्स इनटू डेज. उसने पूछा कि टू ईयर्स में कितने डेज होंगे, तो आपको वन ईयर का पता होगा, आप टू ईयर के लिए क्या कर दोगे? टू से मल्टीप्लाई कर दोगे 365 को, राइट? नेक्स्ट, यू नो दिस वेरी वेल ना, कि वन वीक में 7 डेज होते हैं. वन वीक है 7 डेज, तो कन्वर्ट 5 वीक्स इनटू डेज. अब उसने पूछ लिया कि 5 वीक्स में कितने डेज होते हैं, राइट? तो वन वीक इक्वल टू 7 डेज, और 5 वीक्स के लिए क्या कर देंगे? 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये 7 को, ठीक है? नेक्स्ट, 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स. एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं, राइट? तो आपको क्या पूछा है? कन्वर्ट 20 आवर्स इंटू मिनट्स. उसने पूछ लिया 20 आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं, तो हमें 1 आवर के पता है, 20 आवर्स के लिए हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे 60 को, राइट? और हमें आंसर मिल जाएगा 1200 मिनट्स, राइट? सो लेट्स नाउ चेक आउट द एक्सरसाइज. नहीं, अभी हमारा एक पार्ट पड़ा है, ठीक है? एग्जाम्पल 8, वेनू प्लेड क्रिकेट फॉर 1 आवर 20 मिनट्स. हाउ मेनी मिनट्स डिड ही प्ले? वो कितने मिनट्स के लिए खेलता रहा है, ठीक है? अब देखो, ये जो टाइम आपको दिया है ना, उन्होंने बोला है कि वेनू 1 आवर 20 मिनट्स का खेलता रहा है. उसने कहा कि मुझे आवर्स में टाइम नहीं जानना है, आप मुझे ये आवर्स वाला भी ना मिनट में बताओ कि टोटल मिनट्स कितने हुए हैं, मुझे आवर्स में नहीं जानना, ठीक है? उसे मिनट्स में ही जानना है कि मिनट्स में ये टाइम कितना हो गया है. तो हम क्या करेंगे, ये जो 1 आवर है ना, इसको भी मिनट में चेंज कर देंगे. देखो, 1 आवर 20 मिनट्स, राइट? तो ये क्या हो गया, 1 आवर + 20 मिनट, है ना? तो 1 आवर, हमें क्या पूछा है कि हमें आवर्स में टाइम बताना ही नहीं है, हमें मिनट्स में टाइम बताओ, राइट? तो हम क्या करेंगे, हम 1 आवर को चेंज कर देंगे मिनट में. तो 1 आवर में होते हैं 60 मिनट्स, राइट? तो ये 20 मिनट्स तो वैसे ही रहेंगे, और ये इसमें प्लस हो जाएंगे, प्लस होके आ गया 80 मिनट्स, ठीक है? तो उन्होंने पूछा था कि मिनट्स में बताओ हमें ये कितना टाइम है, तो हमने बता दिया, राइट? नेक्स्ट है, कन्वर्ट 7 मिनट्स 52 सेकेंड्स इंटू सेकेंड्स. मतलब ये तो सेकेंड्स में है ना, ये मिनट्स को भी उसने बोला है कि सेकेंड्स में चेंज कर दो. तो हमें पता है 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, हम 7 मिनट्स में निकाल लेंगे मल्टीप्लाई करके, है ना? ये देखो, मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे. पर जो दूसरा वाला 52 सेकेंड्स है, वो तो 52 सेकेंड्स ही रहेगा, है ना? जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका आंसर आएगा 420, और ये क्या होंगे, सेकेंड्स होंगे. अब ये दोनों सेकेंड्स हो गए, हम दोनों सेकेंड्स को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और टोटल सेकेंड्स हमारे पास आ जाएंगे, राइट? ओके, अभी आपका एक्सरसाइज आया है. एक्सरसाइज 10.4, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेज. अभी डेज में चेंज करना है. देखो, फर्स्ट आपसे पूछा है आपको 3 इयर्स में
डेज बताने हैं। उसके लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि 1 ईयर में कितने डेज होते हैं। 365 डेज, राइट? तो 3 ईयर्स में कितने होंगे? आपने क्या करना है, ये वाले 365 को 3 से, ये वाले 3 से जो आपको निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर दो। 3 5 जा 15, 6 3 जा 18 प्लस 1 19, 3 3 जा 9 प्लस 1 10। तो ये आपका आंसर आ गया, इतने डेज, राइट? बी पार्ट, 12 मंथ्स में बताने हैं आपको कितने डेज होते हैं। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 1 मंथ में कितने डेज होते हैं। 1 मंथ में कितने होते हैं? 30 डेज होते हैं। हमें निकालना है 12 मंथ्स के लिए, तो हम क्या करेंगे, हम ये वाले 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट? 2 0 0। इसके लिए मैंने आपको एक इजी मेथड बताया था ना, कैसे बताया था मैंने आपको कि आप 12 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना? वो आ जाएगा 36। अभी ये वाला 0 बचा पड़ा है, इसको यहाँ लिख दो, ये आपका आ गया डेज, राइट? नेक्स्ट वी हैव सी पार्ट। यहाँ पे लिखा है 14 वीक्स। पहले आप देखो 1 वीक में कितने डेज, क्योंकि हम डेज निकाल रहे हैं ना, सो वी हैव 7 डेज, तो 14 वीक्स में कितने होंगे? ये वाले 7 डेज को, ये देखो ये वाले 7 डेज को हम ये वाले 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है? अभी देखो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, सो 98 डेज। नेक्स्ट वी हैव डी पार्ट, 5 ईयर्स। हमें निकालने हैं डेज, तो 1 ईयर हाउ मेनी डेज? 365 डेज, तो 5 ईयर्स में कितने होंगे? ये वाले 365 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 5 जा 25, 2 है 5 ईयर, 5 6 जा 30, 30 प्लस 2 32। फिर ये वाले 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 प्लस 3 18, ये डेज आपका आंसर आ गया, राइट? नेक्स्ट वी हैव ई पार्ट।